डायबिटीज के मरीज के लिए कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं, खासकर हमारे मरीज जो हमसे सुनना चाहते रहते हैं। तो डायबिटीज है क्या कि जब आपके शरीर के खून के अंदर अगर शक्कर की मात्रा, खून में चीनी की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा खाली पेट में अगर 126 से ज़्यादा है तो डायबिटीज हो गया है, या खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा है। खास करके जांच के क्रम में हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाकर फिर उसके 2 घंटे के बाद जांच का सैंपल नमूना लेकर जांच करते हैं। उसमें अगर देखते हैं कि 200 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज हो गया है। रही बात कि नॉर्मल क्या है, फिर सामान्य क्या है, तो अगर वो 100 के नीचे है खाली पेट में और खाने के 2 घंटे के बाद, यानी या ग्लूकोज लेने के 2 घंटे के बाद अगर 140 से नीचे है तो आपका शुगर सामान्य है, सही है। ये रहा डायबिटीज। अगर डायबिटीज हो गया है तो खासकर लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे रहा जाए, कैसे बेहतर हो। तो डायबिटीज में अगर आप अच्छा तरीके से रहते हैं और खाने के तरीके को सुधारते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और वो करना ही चाहिए। यहाँ तक कि दवाई से पहले अगर थोड़ी सी हल्का डायबिटीज थोड़ा ही है, यानी शुगर कम बढ़ा हुआ है, हल्का बढ़ा हुआ है, वैसे स्थिति में आपको पहले एक्सरसाइज और डाइट, यानी हर रोज 30 मिनट टहलने से और खान पान में सुधार करने से आपको फायदा मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा। अगर हल्का फुल्का है तो फिर आपको उसी से ठीक हो जाएगा। और एक्सरसाइज में है कि आप 30 मिनट रोज थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक, तेजी से चलना बोलते हैं, झटक के चलना, ऐसे चले। लेकिन खासकर शुरुआती दौर में अगर आपको शुरू में 10 मिनट जो है धीरे चले, फिर 20 में 10 मिनट तेज चले, फिर 10 मिनट धीरे से आराम कर ले। शुरुआती समय में कम से कम 1 सप्ताह तो ऐसे ही करें, धीरे धीरे फिर अगले सप्ताह से आप पूरी तरह से 30 मिनट तेजी से चले। खाना कम से कम दिन में 3 बार खाएं, और तीनों खाने में हरा साग या हरा सब्जी, इसके मात्रा आधा थाली रखें, और आधा थाली में आप रोटी दाल या रोटी दूध या और रोटी कोई दूध से बनी हुई सब्जी से पनीर हुआ या दाल से बनी हुई कोई सत्तू हुआ, इस तरह की चीज़ आप लें। और समय पर खाना खाएं और एक्सरसाइज करें, और फिर अपना शुगर जांच कराएं, कम से कम 2-3 या 4 सप्ताह के बाद अपना जांच कराएं। अगर देखें वो सही है तो ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो फिर आप कुछ उसके साथ साथ चिकित्सक के माध्यम से आप कुछ मेडिसिन लें जो आपको ब्लड के शुगर को कम करता हो। और रही बात, अगर आप शुगर का मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन रोजाना लें, समय पर लें, और खाना भी निश्चित तौर पर खाएं। ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा खा ले जैसे भोज में खा ले, और कभी बिल्कुल भूखे रहे जैसे उपवास कर ले, या कुछ लोग दिन भर भूखा रहे, ऐसा इसमें अच्छा नहीं होगा। अगर आप खाना नहीं खा पाते हैं तो आप दवाई भी नहीं खा सकते हैं। तो ध्यान रखें कि खाना समय पर लें, दवाई भी समय पर लें, खाना रोज़ खाएं, नियम पर खाएं, और इस तरह से। और रही बात, जब आप दोबारा आते हैं तो आप डायबिटीज़ में दवा खाते हुए जांच कराए, वैसा ही खाना खाए जैसे घर पर खा रहे हो। ऐसा नहीं कि जिस दिन जाँच कराना है उस दिन दवा ही नहीं खाए, तो ये सब नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए, एक दो चीज़ और जानना जरूरी है कि डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज का कम हो जाना, यानी 60 या 60 से नीचे आ जाए, तो हमको उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज कम गया। ऐसी परिस्थिति में आपको उस वक्त तुरंत कुछ ही खा लेना चाहिए, या अपने पॉकेट में कागज़ पर लिखा हुआ, करा पेपर पर लिखा हुआ, हार्ड बोर्ड पर लिखा हुआ कोई भी रखे, कि ताकि आपका नाम ये है, आपका फ़ोन नंबर ये है, आपका डॉक्टर का नंबर ये है, और आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, आप ये दवाई ले रहे हैं, ताकि आपका कोई भी देखे, अगर बेहोश होकर गिर जाए तो फिर आपको देखकर तुरंत आपका इलाज कराने में मदद करे और आपको तकलीफ आगे नहीं हो। और ये जानकारी खुद के पास नहीं, घर के सारे सदस्य में जानकारी होना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, दोस्त के यहाँ भी जानकारी आप दे सकते हैं, साझा कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई दिक्कत आपको आए तो वो दोस्त आपको बचाएंगे। तो डायबिटीज़ में रही बात कि समय पर भोजन लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, दवाई सही से लेना चाहिए, और आपको कम से कम 3 महीने में एक बार जरूर जांच करना चाहिए। और शुरुआत के दिनों में अब 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन लगभग सप्ताह का अंतराल पर भी जाँच करा करके पहले शुगर सही कर लेना चाहिए। अगर शुगर सही हो गया तो 3 महीने में जरूर एक बार जाँच कराएँ, और साल में एक बार पूरी तरह से जाँच कराएँ। ये रहा डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में जानकारी।